हेलो और नमस्कार। आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट और मेरा नाम है प्रगति सक्सेना। आज हम बात करते हैं कन्नड़ फिल्म कंतारा की। पिछले कुछ सालों में दक्षिण भारतीय सिनेमा में न सिर्फ पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाई है। यहां तक कि पिछले साल तो कारोबार की नज़र से दक्षिण की फिल्मों ने बॉलीवुड तक को पछाड़ दिया। कंतारा उन्हीं चंद बेहद सफल फिल्मों में से एक है। कन्नड़ में रिलीज हुई इस फिल्म की लोकप्रियता को देखकर इसे तमिल, तेलुगू, मलयालम और हिंदी में डब करके भी रिलीज किया गया और इन भाषाओं में भी इस फिल्म ने अच्छा कारोबार किया। खास तौर पर कांतारा की सफलता इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि कर्नाटक के एक खास अंचल की संस्कृति और आस्था इसमें रची बसी है और एक लोक कथा के माध्यम से यह किसानों, प्रकृति और सरकारी व्यवस्था से जुड़ी गंभीर बात कह जाती है। निर्देशक ऋषभ शेट्टी खुद भी दक्षिण कर्नाटक मूल के हैं। इस तटीय पट्टी पर बहुत से दलित और आदिवासी किसान बसते हैं। उनकी संस्कृति और आस्था सघन रूप से जंगल और जमीन से जुड़ी होती हैं। ऋषभ ने इसे बहुत नज़दीक से समझा और जाना है। कांतारा यानी रहस्यमय जंगल पर बात करने से पहले दक्षिण कर्नाटक के आदिवासी और दलित किसानों की संस्कृति को समझना जरूरी है। उत्तर भारत के दूर दराज गाँवों में बसने वाले गरीब और दलित किसान समुदायों की तरह यहाँ भी ईश्वर का रूप अलग होता है। इन इलाकों में देवी देवता प्रकृति के बहुत करीब होते हैं, या यूं कहें कि प्रकृति के ही रूप होते हैं। वैसे तो इस तरह के हजारों देवी देवता होते हैं और लगभग हर इलाके के अलग अलग देव होते हैं, मगर इस फिल्म में मुख्यतः दो देवों की बात की गई, पंजुरली और गुलिगा देवा। पंजुरली देवा एक क्षेत्र के पालक होते हैं और गुलिगा देवा उसी क्षेत्र के संरक्षक। तो जाहिर है कि गुलिगा देवा अपेक्षाकृत अधिक आक्रामक होते हैं और इन दोनों देवों को प्रसन्न रखने से वह क्षेत्र शांत, समृद्ध और सुरक्षित रहता है। ऐसी वहां के ग्रामीण किसानों की दृढ़ आस्था है। प्रायः इन देवी देवताओं का कोई आकार नहीं होता और अमूमन ये किसी वृक्ष के नीचे एक पत्थर के रूप में स्थापित कर दिए जाते हैं, लेकिन समय के साथ कहीं कहीं इन्हें भी विभिन्न रूप दे दिए गए हैं। ये देवी देवता उत्तर मध्य भारत के गांवों में भी देखे जा सकते हैं और दलितों और आदिवासी जनजातियों की आस्था के अभिन्न अंग होते हैं। दक्षिण कर्नाटक के एक वार्षिक अनुष्ठान की बहुत मान्यता है जिसे भूताकोला कहा जाता है। इसे एक निश्चित परिवार के वंशज ही करते हैं। इसमें एक व्यक्ति देवा का रूप लेकर नृत्य करता है और कुछ देर बाद कहा जाता है कि इसमें देवा की आत्मा प्रवेश कर जाती है और ऐसी अवस्था में देवा इस व्यक्ति के माध्यम से इलाके के परिवारों की तमाम समस्याएं सुलझाते हैं। अब हम बात करते हैं फिल्म की कहानी की। प्राचीन काल में एक राजा था जिसके पास धन, संपदा, खुशहाल परिवार सब कुछ था, लेकिन मानसिक शांति नहीं थी। अंततः राजा को जंगल में एक पत्थर के पास शांति मिलती है। ये पत्थर और कोई नहीं, स्वयं पंजुरली देवा है। राजा पंजुरली देवा को साथ ले जाना चाहता है तो एक आदिवासी के शरीर में प्रकट होकर देवा शर्त रखते हैं कि जहाँ तक उनकी आवाज़ जाएगी वहाँ तक का क्षेत्र इन गरीब आदिवासी किसानों का होगा। ये जंगल इन्हीं किसानों का रहेगा और उनके साथ गुलिगा देवा भी रहेंगे। इस जंगल पर और कोई अधिकार नहीं जमाएगा। अगर ऐसा हुआ तो चाहे पंजुरली देवा उसे माफ कर भी दें, क्षेत्रपाल गुलिगा देवा माफ नहीं करेंगे। राजा सहर्ष ये शर्त मान लेता है, लेकिन राजा की मृत्यु के बाद उसके वंशज कोई ना कोई कोशिश करते रहते हैं ताकि जंगल की विशाल जमीन उनके अधिकार में आ जाए। उधर भूताकोला करने वाले परिवार का बेटा शिवा एक लापरवाह, मस्त मौला व्यक्ति बन जाता है तो इस अनुष्ठान की जिम्मेवारी उसी का भाई निभाने लगता है। क्षेत्र का जमींदार जो राजा का वंशज है, शिवा से बर्ताव तो अच्छा करता है लेकिन उसके मन में भी जमीन को हासिल करने की तीव्र इच्छा है। फिर सरकार द्वारा नियुक्त फॉरेस्ट ऑफिसर भी है ताकि इस इलाके को संरक्षित वन की श्रेणी में रखा जाए और वहां ग्रामीणों का जाना प्रतिबंधित हो जाए। इस तरह जंगल के वृक्षों और जानवरों की देखभाल हो सके। ग्रामीण किसान ये बात नहीं समझते क्योंकि जंगल इनके लिए मातृभूमि है। आखिरकार अपने भाई की हत्या के बाद शिवा को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। फॉरेस्ट ऑफिसर को भी एहसास होता है कि आदिवासी जंगल से अलग नहीं, वे भी जंगल का हिस्सा हैं और जमींदार के मंसूबे मिट्टी में मिल जाते हैं। निर्देशक ऋषभ शेट्टी ने बहुत खूबसूरती से इस संदेश को फिल्माया है कि जंगल और उससे जुड़े किसान किसी भी जाति जनजाति के हों, परस्पर घनिष्ठता से जुड़े हैं। ये संबंध वही है जो मनुष्य और प्रकृति का है। जंगल ऊंच नीच जाति वगैरह नहीं मानता। जो उसका सम्मान करेगा, देखभाल करेगा, उसी का वह भरण पोषण करेगा। देखा जाए तो सदियों से हमारी लोक कथाएं यह कहती आ रही हैं, लेकिन अब प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज के मद्देनज़र ये बात और भी महत्वपूर्ण हो गई है। एक बेहद लोकल कहानी के जरिए ये ग्लोबल बात कहना अपने आप में निर्देशक की
उपलब्धि है। लेकिन ऋषभ के लिए ये फिल्म बनाना आसान नहीं था। होमबाले फिल्म्स ने प्रोडक्शन में मदद की। ऋषभ ने अपने ही छोटे से कस्बे कुंडापुर के पास शूटिंग के लिए एक पूरा गांव बसाया। सारे कलाकार और फिल्म क्रू वहां रही। फिल्म की शूटिंग 96 दिन चली। इस बीच ऋषभ शेट्टी को खुद काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। चूंकि वे खुद ही इस फिल्म के लेखक, निर्देशक और नायक थे, वे बार बार घायल हो जाते। ये फिल्म मेरे लिए एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह थी। मुझे नहीं लगता इस तरह मैं फिर दोबारा काम कर पाऊंगा, ऋषभ ने एक इंटरव्यू में कहा। फिल्म शूट करना क्या था, एक युद्ध की तरह था। 60% फिल्म को रात में घने जंगल में शूट किया गया। जंगल से घबराकर स्पॉट बॉयज तक आने से इनकार कर देते थे। फिर अंत के भूत कोला सीक्वेंस के लिए ऋषभ ने 5 दिन व्रत रखा। यही फिल्म का सर्वश्रेष्ठ हिस्सा है, जिसमें भूता कोला के जरिए किसान की वेदना, व्यवस्था द्वारा आदिवासी परंपरा को समझना, लालची जमींदार का नाश और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से दर्शाया गया है। यही वजह है कि कांतारा ने रिलीज होते ही लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बॉक्स ऑफिस पर अद्भुत सफलता के साथ ही कलात्मक दृष्टि से भी इसकी प्रशंसा की गई। लेकिन फिल्म की आलोचना भी हुई कि यह पुरातन पंथी परंपराओं और आस्था को दर्शाती है, जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विपरीत है। पर फिल्म के नायक शिवा के अलावा अन्य किरदारों का चरित्र चित्रण भी कमजोर है और स्त्री किरदारों को तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन ऋषभ शेट्टी का मानना है कि जो कहानी वे कह रहे हैं उसमें शिवा का किरदार और देवा की भूमिका ये जाहिर करने के लिए बहुत अहम है कि जंगल और उसमें रहने वाले लोग दरअसल एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। निर्देशक हमारे समाज में व्याप्त अछूत प्रथा और महिलाओं के शोषण को भी दर्शाता है। किसानों और दलितों के समान हक और गरिमा के संघर्ष की कहानी है कांतारा, जिसमें देवा यानी प्रकृति अंततः किसानों का साथ देते हैं और उन्हें इस संघर्ष की शक्ति देते हैं।